रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, स्टेप फोर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। नॉर्मल सिनेरियो में हमने क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करी तो एंट्री ऑफ दिस सन्ड्री क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक। नॉर्मल सिनेरियो में डिसोल्यूशन इज नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो। आपके लाइबिलिटी अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, आपके लाइबिलिटी अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं। कौन से वाले? जो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करे। बी केयरफुल। तो अब जब पेमेंट होगी तो क्या एंट्री पास होगी? पेमेंट हो रही है, पैसे आ नहीं रहे, पैसे जा रहे हैं, तो पेमेंट करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। तो ध्यान क्या देना है, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज की बात हो रही है सर। क्यों? क्योंकि अगर आप पार्टनर्स लोन रीपे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स लोन टू कैश और बैंक। सर ऐसा कैसे? वो क्लोज थोड़ी ना हुआ था, उसका तो बस बैलेंस दिखाया था। रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी वो क्लोज है, खत्म। उनकी अगर पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक ही होगी, रियलाइजेशन टू कैश ही होगी, कैश और बैंक। क्लियर? तो जब लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर कर सकता है तो फिर पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। इफ द लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर तो उसकी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विद आउट। तो स्टेप फोर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इफ द लाइबिलिटीज आर पेड बाय द फर्म, मतलब बिजनेस के अकाउंट से पे हो रहा है, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। कोई डाउट? इफ द पार्टनर पेज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब प्रेजेंटेशन की बारी। रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट क्या है? ये पेमेंट मेड फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन टू बैंक तो बैंक में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्लियर? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। सन्ड्री एसेट सोल्ड, सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड ऑफ, पेमेंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है लाइबिलिटी तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होगी, ए अग्रीड टू टेक ओवर द क्रेडिटर्स, ए अग्रीड टू सेटल द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वर पेड दिस मच, तो इतना डायरेक्ट गिवन होगा। आप पार्टनर्स कैपिटल क्या है? ये लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड और टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। पार्टनर पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो यही बात है कि पार्टनर पे कर रहा है, कोई बात नहीं हम दे देंगे उसको। तो क्या एंट्री हुई? रियलाइजेशन टू पार्टनर, तो पार्टनर के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ये लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय पार्टनर? क्लियर? तो लाइबिलिटी या तो फर्म पे करेगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक या फिर पार्टनर। स्टेप फोर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, एसेट्स की रियलाइजेशन और पेमेंट्स की लाइबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल।